नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर की खबर की बात करेंगे। डिलीवरी बॉय के खाते की जांच में बड़ी सफलता मिली है। 19 खातों में साइबर फ्रॉड के 168 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। बैंक खातों में विदेश से आए हैं करोड़ों रुपए। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग के पैसे आए हैं। इंदौर साइबर SP जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया है। डिलीवरी बॉय राकेश त्रिपाठी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। कई बैंक के मैनेजर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस पूरे मामले में बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। अचानक से डिलीवरी बॉय के खाते में जब 12 करोड़ रुपए आए, तो इस मामले की जांच शुरू की गई, तो यह पता चला कि ऐसे कई और खाते हैं जिनमें फ्रॉड चल रहा है। साइबर फ्रॉड के 168 करोड़ रुपए मिले हैं। डिलीवरी बॉय के खातों की अभी जांच चल रही है और भी ज्यादा गहनता से। फिलहाल ये सफलता मिली है, 19 खाते और 168 करोड़ रुपए मिले हैं। कई ऐसे बैंक मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, लेकिन इस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। तो किस तरीके से साइबर फ्रॉड ने अपने पैर पसारे हैं, इससे समझा जा सकता है। डिलीवरी बॉय और काफी कम सैलरी पर काम करने वाला ये शख्स, जिसके खाते में अचानक से 12 करोड़ रुपए जब आए, तो 19 खातों में साइबर फ्रॉड के जमा हुए 168 करोड़ रुपए की राशि के बारे में भी पता चला। बैंक खातों में विदेश से करोड़ों रुपए आए हैं। ये पूरा मामला ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इतने भारी मात्रा में जो पैसे हैं वो अकाउंट में आए हैं। इंदौर साइबर SP जितेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। डिलीवरी बॉय राकेश त्रिपाठी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। कई बैंक के मैनेजर्स की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे एक डिलीवरी बॉय रातों रात करोड़पति बना? देखिए, राकेश कुमार त्रिपाठी जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, नौकरी के तलाश में इंदौर आया था और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से, जो मुलाकात करवाता है इंड बैंक के जो मैनेजर हैं जावाद खान, मोहम्मद जावाद से। मोहम्मद जावाद से मुलाकात होने के बाद में महज 3000 रुपए में एक दुकान किराए पे ली जाती है और RK एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म खोल दी जाती है। 2.5 महीने में RK एंटरप्राइजेस में 12 करोड़ रुपए जमा होते हैं। ये राज साइबर पुलिस की जांच में बड़ी बात सामने आई है। 35 अकाउंट, मोहम्मद जावाद जो बैंक का मैनेजर है, उसने 35 अकाउंट खोले थे और 35 अकाउंट के 15 अकाउंट में 138 करोड़ रुपए जमा हुए थे। और इसी जांच के दौरान पर तेलंगाना पुलिस से एक इनपुट मिलती है इंदौर पुलिस को, यूको बैंक का। यूको बैंक के 4 अकाउंट की जब छानबीन की जाती तो उसमें 30 करोड़ रुपए जमा हुए मिले और वो जो 30 करोड़ रुपए है वो ऑनलाइन पैसे विदेशों से आए थे। जो यानी जो ऑनलाइन गेमलिंग है, जो ऑनलाइन बेटिंग है, उसके ये पैसे विदेश से आए थे। तो ये टोटल जो अमाउंट है वो 168 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और ये आंकड़ा बढ़ के 300 करोड़ रुपए तक के आसपास का हो सकता है। ये इंदौर पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि एक एक खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये करोड़ों रुपए किसके हैं, कहां कहां पे फ्रॉड हो रहा है, जब इसकी पूरी जांच की गई तो 7 राज्यों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। 7 राज्यों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आ चुका है। तो फिलहाल बड़ी जांच चल रही है, लेकिन साइबर फ्रॉड जो है वो कितना बड़ा है इस आंकड़ों से समझा जा सकता है। महज 30 से 35 अकाउंट में 168 करोड़ रुपए जब जमा हुए हैं, तो ऐसे कई सारे अकाउंट है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब साइबर पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई आपके अकाउंट की डिटेल मांगता है, कोई आपसे कहता है कि हम आपको 1 महीने का अकाउंट रन करने का 1-1.5 लाख रुपए देंगे, तो बिल्कुल अपने नाम से अकाउंट मत खुलवाइए। और एक बड़ा गिरोह है जो इस वक्त में ग्रामीण लोग जो है, ग्रामीण इलाकों में एक्टिव है, जो मजदूर है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो रोजाना 200-400 रुपए कमाते हैं, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है और उनके नाम से एक बड़ा अकाउंट खोला जाता है और इन अकाउंट को लाखों रुपए में बेचा जाता है। और जो ये अकाउंट बेचा जाता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेचे जाते हैं और लाखों रुपए देने वाले लोग कनाडा, अमेरिका, तमाम बड़े जो कंट्रीज है वहां पे बैठे हुए हैं। यानी जो मास्टरमाइंड है वो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके जो गिरोह के लोग हैं वो उसे भारत के अंदर संचालित कर रहे हैं और ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। वाकई में नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है और साइबर फ्रॉड का ये मामला जो सामने आया है इंदौर से। अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 2 लोगों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। एक युवक और एक दिव्यांग की हत्या हुई है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है।
इंदौर व्यापारी के सुसाइड मामले में एक नया एंगल आया है। प्राची नाम की लड़की ब्लैकमेल कर रही थी। राकेश और प्राची के बीच चैटिंग्स भी हुए हैं, वो भी सामने आ चुके। परिजनों ने पुलिस को सौंपी है डिटेल्स। 5 दिन पहले राकेश ने सुसाइड की कोशिश की थी और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने आखिरकार सुसाइड कर ली, उसकी जान चली गई। तब कर्ज से परेशान होने की बात आई थी सामने, लेकिन अब एक जो एंगल निकल कर सामने आया है वो ब्लैकमेलिंग का निकल कर सामने आया है। इंदौर का ये व्यापारी है और सुसाइड मामले में पता चला कि प्राची नाम की लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो 20 लाख की डिमांड भी प्राची ने उससे की थी और धमकी ये दे रहे थे कि वो चैट वायरल कर देगी। इस बात से परेशान इस युवक ने, इस व्यापारी ने, इस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। हालांकि अब तक ये लग रहा था कि कर्ज का कोई मामला होगा, कर्ज से परेशान होगा, लेकिन एक नई बात सामने आई है।